डीएनडी पर कोरोना काल का संकट एक बार फिर से गहरा गया है, जिसको लेकर नोएडा प्रशासन भी सख्त हो गया है, अलर्ट हो गया है। डीएनडी पर आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है पुलिसकर्मी, उनसे बात करेंगे। कब से चेकिंग हो रही है, स्टार्ट हुई है? ये सुबह से चेकिंग चल रही है। हाँ जी, कितनी गाड़ियाँ रुकी गई होंगी? 15-20 गाड़ियाँ रुकी हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है? टेस्टिंग वगैरह हो रही है? अभी तक नहीं मिला है। टेस्टिंग कहाँ हो रही है सर? ये बगल में हो रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और वहाँ उनसे चेकिंग की जा रही है, टेस्टिंग हो रही है। आइए मेरे साथ। मैम, सुबह से कितने पेशेंट आ चुके होंगे यहाँ पे? ये देखिए आप, अभी 112 हो गया है। 112? हाँ। किसी की रिपोर्ट कितनी देर में आएगी? 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी इसकी। उसके बाद इन लोग को छोड़ा जा रहा है? हाँ हाँ, जो अब जब तक इनका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। सुबह से कितने बजे से यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 9:30 बजे से बैठे हुए हैं। आज यहीं पे चेकिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है या फिर और भी जगह पे? जिला बॉर्डर पे भी हो रही है। हाँ। अभी तो कोई पेशेंट ऐसा निकला जो पॉजिटिव है जिसपे सिम्टम्स मिले हो? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। रात में कब तक रहेंगे मैम आप लोग यहाँ पे? रात में नहीं, हम लोगों का फिक्स लेके आए, जब हमारा जैसा भी हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे। रिपोर्ट कितनी देर में आएगी? अभी आने वाली है बस। कहाँ जा रहे थे? वो नवेडा, यहीं पे शादी में। सर आप भी साथ में? हाँ जी, हाँ जी। रिपोर्ट हो तो वही बता सकते हैं। हाँ बताएंगी सकते हो तो। और आपके साथ में और कौन कौन है? सभी हमारे साथ में। हाँ जी, हाँ जी, सब शादी में जा रहे हैं। तो इतना अब लोगों को अलाउड नहीं है? नहीं, जाके आना है, बाकी जो और प्रोग्राम शाम का है उनका, तो हमने दिन में अटेंड करके ना, हम थोड़े जैसे 10-15 आदमी है, हम वापसी आ जाएंगे अभी। 10-15 करके जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। रैंडम टेस्टिंग कब से मतलब स्टार्ट हुई है फिर से? सुबह 8 बजे चल रही है बेटे। 8 बजे से चल रही है, तब से कितने लोग आ चुके? बस वो संख्या तो एलोकेशन तो उन्हीं के पास में है, कितना है। कितनी गाड़ियाँ जैसे रोकी गई हैं, किस बिहाफ पे रोकी जा रही है, सवारियाँ ज़्यादा है तो? जितनी संख्या है उसी हिसाब से 5 आदमी लगा लो एक गाड़ी में, बाकी काउंट कर लीजिए कितनी गाड़ी होंगी। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, नहीं तो रोक कैसे रहे? जैसे किसी गाड़ी में एक इंसान है तो उसको टेस्टिंग के लिए रोक रहे? ऐसे ना, रैंडम में यही होता है, जो सामने गाड़ी आएगी उसी को साइड लगा टेस्टिंग करा। कैसे कोई पेशेंट तो सामने आया नहीं है? मैं बता सकते हैं, शायद एक आया है जहाँ तक मेरा, एक पेशेंट आया होगा जी, वो बताएंगे, क्लियर रिपोर्ट वही बताएंगे। कब तक? 15 मिनट बाद बोला है ना उन्होंने, तो 15 मिनट बाद। हाँ, 15 मिनट बाद। आपकी ड्यूटी तो रात तक रहेगी? हाँ, हमारी 8-8 चलती है। सर, कोरोना इतना बढ़ गया है, डर लग रहा है, ट्रैफिक, इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन आप लोग अपने लिए भी लेके चलते हैं? हाँ, पूरी सुरक्षा है हमारी, हम भी अपनी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। यस, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ। आदेश कब आया सर ये? क्या रैंडम टेस्टिंग का आदेश कब? हो गए 4-5 दिन हो गए, तब से रैंडम टेस्ट की यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। यस यस। बीच में तो मैं आई थी एक बार, तो उन्होंने बोला कि सरकार ने एक दिन का आदेश दिया था, तो एक ही दिन हुई प्रशासन के द्वारा। वो चीज़ उनसे पूछिए, अब जो आते हैं रैंडम टेस्ट के लिए तो उनका आदेश होता है, वो तभी आते हैं। डेली होती है यहाँ पे रैंडम टेस्टिंग? हाँ, जो तब आते हैं वो रैंडम टेस्ट तभी होता है। अभी तक कोई और पेशेंट? क्या पेशेंट वगैरह? पेशेंट जो आते हैं उनका टेस्ट कराया जाता है। हाँ, जिनको रोका जाता है उनके टेस्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसा है कि एक गाड़ी में अगर बाहर की कहीं की गाड़ी है तो उसको ज़रूर रोक रहे हैं? बाहर की नहीं, अगर मैक्सिमम उसमें 5 से 6 लोग रह रहे हैं तो उसको उसका मतलब कंपलसरी उसे टेस्ट कराना है। अगर एक से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उनको रोक के उनका टेस्ट कराया जा रहा है। जैसे दिल्ली जाना है, बॉर्डर क्रॉस करना है, और यहाँ की गाड़ी कहीं और की है, तो उसको जाने देते हैं या उसको रोकते हैं? अगर सवारी एक ही हो तो उसको जाने देते हैं। ये तो नहीं नंबर प्लेट देख के गाड़ी रोके? नहीं, कोई दिक्कत, अगर कोई संदिग्ध लगती है गाड़ी तब रोकी जाती है, वैसे रोका नहीं जाता उनको, जाने नहीं रोका जाता है। लाजपत नगर मार्केट गए थे, मार्केट बंद थी, हमारे वापस आ गए। कोरोना चल रहा है, आपको मार्केट सूझ रही है सर? मैम, स्वेटर लेने गया था, अब ठंड है, स्वेटर तो चाहिए चाहिए। मार्केट बंद मिली, अब सैनिटाइजर वगैरह रख रहे हैं? सब कुछ है मैम। गाड़ी कितने लोग थे गाड़ी? मैम 4 जने थे। 4 लोग थे, डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर? मैम मैं कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, ये आगे सही सीट पे, ये दोनों पीछे वाली सीट पे। डर लग रहा है सर? नहीं सर, मैम डरने वाली क्या बात जो है तो वो है। प्रिकॉशन वगैरह प्रॉपर ले रहे हैं जी? प्रिकॉशन ले रहे हैं, सैनिटाइजर हो गया सब ले रहे हैं? सब ले रहे हैं मैम। मास्क पहन के लीजिए सर। ओके मैम। टेस्ट हो गया आपका? टेस्ट हो गया मैम। रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट भी आने वाली है। हाँ।
बताया जा रहा है पॉजिटिव एक पेशेंट आया है। वो नोएडा का पेशेंट है, उसके वो वहीं पर आइसोलेट होगा। होम क्वारंटाइन करेंगे वो? आरआर टीम है, वो डिसाइड करेगी होम आइसोलेट करेंगे या हॉस्पिटल में करेंगे। हमारा काम है टेस्ट करना, काम है टेस्ट करना और रिपोर्ट, बाकी जो है रिपोर्ट फिर आगे हम लोग पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होती है फिर वो करते हैं, एक्शन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पुलिसकर्मी, हम पूछेंगे उनसे। सर सुबह से कितने पेशेंट आ चुके हैं? लगभग 100 प्लस हो गए हैं, और 100 प्लस आ गए हैं। तो कि रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव या कुछ ऐसा कुछ आया? जैसा हमने डॉक्टर से मालूम किया तो एक बंदा पॉजिटिव आया है, वो ड्राइवर था गाड़ी का। साथ भी जो जितने लोग रहे होंगे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है निगेटिव? नहीं, उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, बस उसी ड्राइवर की पॉजिटिव आई है। क्या हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है? नहीं, उसे शिफ्ट नहीं किया है, इन्होंने डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट दे दी है अपनी, अपने आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है और उसको जाने के लिए बोल दिया है कि तुम लोग जाइए और जैसा भी होगा हमारी टीम आपको वहीं से जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ से पिकअप कर लेगी, ये बताया गया है उसको। जो जहाँ का है अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो जहाँ का रहने वाला है उससे संपर्क करके उसको सीधे क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन, अगर कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं है तब। डीएनडी पे स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद हैं, पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं, जितने वाहन निकल रहे हैं उनकी रैंडम चेकिंग भी की जा रही है, जो भी एक वाहन में 5 से ज़्यादा हैं उनको रोक के चेकिंग की जा रही है। डॉक्टर ने भी बताया और पुलिसकर्मी ने भी बताया कि एक पॉजिटिव केस आया है, उसको भेज दिया गया है, उसको उसके घर से उठाया जाएगा अगर उसकी सिचुएशन खराब रहती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गया है, अलर्ट हो गया है, सभी लोग कोरोना को रोकने के लिए, कम करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और शासन की ये सतर्कता कोरोना को रोकने में कितनी कामयाब होगी, क्या लगाम लगा पाएगी या नहीं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ नेहा परिहार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।